जिले में शीतलहर का कहर पिछले 5 दिनों से जारी है। प्रतिदिन तापमान में गिरावट आने से हरी सब्जियों की खेती एक बार फिर बर्बाद होने लगी है। आलू की पत्तियों में झुलसा रोग का प्रकोप शुरू हो गया है। टमाटर, हरी मिर्च, बैंगन सहित अन्य हरी सब्जियों की पत्तियां सिकुड़ने लगी है। हरी सब्जियों के अलावा आलू सहित अन्य फसलों में जान भरने के लिए किसान सिंचाई से लेकर खाद तक छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन फसल को बचाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। किसानों ने बताया कि उन्होंने 1 बीघा में आलू की खेती की है, 5 कट्ठा खेत में हरी सब्जियों की खेती की है। आलू तथा हरी सब्जियों की पत्तियां सिकुड़ने लगी हैं, पौधों का ग्रोथ भी नहीं बढ़ पा रहा है। हालांकि इस संबंध में पूछे जाने पर जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह ने बताया कि कृषि विशेषज्ञों की टीम शीघ्र ही गांव भेजी जाएगी, ताकि शीतलहर के प्रकोप से नष्ट हो रही हरी सब्जियां सहित अन्य फसलों को बचाने के लिए किसानों को जानकारी दी जा सके। बहरहाल जैसे जैसे मौसम का तापमान निचले स्तर पर गिर रहा है, वैसे वैसे हरी सब्जियों के साथ साथ आलू की किल्लत भी शुरू हो गई है। झुलसा जो रोग है, इस रोग से पूरा जो है सो रबी फसल में इतनी बर्बादी है कि किसान तो एक तो धान का जो है सो फसल ख़त्म हो गया, दूसरा झुलसा रोग से आज के डेट में कृषि जो किसान कर रहे हैं उनकी ये हालात है कि साहब एक तो यूरिया भी नहीं मिल रहा है, दूसरा जो है सो खाद की इतनी कमी है, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है, और जो किसान का कृषि के लिए जो इनपुट के लिए जो लोग किसान भरे हुए हैं उन लोगों का भी जो है सो आज भी किसान रोड पर जो है सो घूम रहा है, न खाद मिल रहा है, न झुलसा का कोई जो है सो ये है। दूसरा आपको हम बताते हैं कि साहब सबसे ज़्यादा जो है से फसल क्षति का कहीं से किसान को कोई राहत नहीं है, और सरकार का कोई इस पर कोई ध्यान नहीं है, सरकार इस पर कोई व्यवस्था करे, इनपुट एक पैसा किसी को नहीं मिला, खाद की व्यवस्था जो है सो पूरे जो है सो जिला में ही पूरा जो सो हाहाकार मचा हुआ है, और औने पौने दाम में लोग जो है सो पहले कृषि के लिए जो है सो किसान ऐसे व्यस्त है, और दूसरा जो है सो आलू का, गेहूं का, आपको सरसों का ये सारा चीज़ जो है सो फसल बर्बाद है, किसान मरने के हालात में है, कहीं से किसी किसान को जो है तो कहीं कोई राहत नहीं है। कृष्ण कुमार सिंह, रामविलास जी। देखिए शीतलहर की स्थिति है और इसमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि फसलों को कुछ नुकसान हुए हैं, इसे लेकर जिलाधिकारी द्वारा कृषि विभाग को भी निर्देशित किया गया और आवश्यक कदम उठाने का निर्देश DM के द्वारा दिए गए हैं। कृषि विभाग के द्वारा कृषि विशेषज्ञों की टीम ग्रामीण क्षेत्रों में भेजी जा रही है, जो किसानों में फसलों को बचाने को लेकर के, फसलों की सुरक्षा को लेकर के किसानों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। तो शीतलहर की स्थिति को देखते हुए हर स्तर पर माकूल तैयारी की गई है और जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए हैं विभिन्न विभागों को।